श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुना तं सजीवं साद्वैतं परिजन सहि चैतन्यदेवं श्रीराधा सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्रीनिताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फल स्वरूप श्री धाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर संकीर्तन साधना करने का अवसर हमें आपको प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज संकीर्तन साधना का छठा दिवस है। सेवा
अभिलाषा करते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए और अपनी असमर्थता को व्यक्त करते हुए श्री प्रिया प्रियतम को प्रार्थना की जा रही है, निवेदन हो रहा है। और बंधुओं, साधना का प्राण है आत्मनिवेदन। श्रीमद् भागवत जी में श्री वेद व्यास भगवान ने नौ भक्ति का वर्णन किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति को प्रथम बताया, कीर्तन भक्ति को द्वितीय बताया, स्मरण भक्ति को तृतीय बताया। नवधा भक्ति में ये तीन भक्ति प्रधान हैं, श्रवण कीर्तन और स्मरण। इस संकीर्तन साधना में ये तीनों काम हो रहे हैं। कानों से श्रवण हो रहा है, हम सब गा भी रहे हैं, पुकार भी रहे हैं और अपने ही कानों से सुन भी रहे हैं, तो श्रवण भी हो रहा है, साथ में कीर्तन तो हो ही रहा है। तीसरा स्मरण हो रहा है, उसके लिए तो बार बार बोल रहे हैं कि बिना स्मरण के श्रवण कीर्तन केवल खाना पूर्ति हो जाएगा, केवल नाटक हो जाएगा। तो अपने को स्मरण पूर्वक ही श्रवण करना है और स्मरण पूर्वक ही कीर्तन करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो श्रवण कीर्तन और स्मरण भक्ति, तीन भक्ति हमारी बन रही हैं इस संकीर्तन साधना में। लेकिन इन नवधा भक्ति में जो नौवीं भक्ति है, या ये कहिए अंतिम भक्ति है, आत्मनिवेदन, हमें अपने श्रवण कीर्तन और स्मरण को आत्मनिवेदन तक पहुंचाना है। बीच की जो भक्ति है ना, स्मरण के बाद पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य, अगर स्मरण बन जाए तो फिर ये बीच की जो और भक्ति हैं बंधुओं, ये स्वतः होती हैं। जब हम स्मरण करना सीख लेते हैं तो पाद सेवन होता है, अर्चन होता है, वंदन होता है, दास्य सख्य सब कुछ होता है। चूंकि ये सब भक्ति भाव स्तर पे जाके होती हैं, और जब हम स्मरण करना ही नहीं सीखे तो फिर शरीर से वंदन करते रहिए, दंडवत करते रहिए, सिर तो हम रोज झुकाते हैं प्रभु के आगे, गुरु लोगों को दंडवत करते हैं, ठाकुर जी को दंडवत करते हैं, तुलसी महारानी को, गंगा जी को, यमुना जी को, गिरिराज जी को प्रतिदिन दंडवत करते हैं। लेकिन ये मन कहाँ दंडवत करता है? दंडवत का अर्थ होता है सीधे हो जाना। ये बुद्धि कहाँ दंडवत करती है? अगर इस बुद्धि ने चरणों में दंडवत कर दी होती तो बुद्धि योग मिल गया होता। अगर इस मन ने दंडवत कर दी होती चरणों में तो मनोयोग मिल गया होता। ये मन बुद्धि दंडवत नहीं करते, शरीर करता है, करना चाहिए। और शरीर से बंधन इसीलिए करते हैं कि ये मन भी करना सीख ले, ये बुद्धि कर ले,
ये जो माथे को चरणों में रखा जाता है दंडवत के समय, उसका अर्थ क्या होता है? हाथ को प्रणाम नहीं करवाया जाता, पैर को प्रणाम नहीं करवाया जाता, इस माथे को जरूर झुकाया जाता है। जो लोग शरीर से झुकने में असमर्थ हो जाते हैं, वो लोग भी सिर झुकाते हैं। ये सिर झुकाना क्यों? क्योंकि जितने भी संस्कार हैं, विचार हैं, वो सब इस माथे में ही तो भरे हैं। बुरा अच्छा जो कुछ भरा है, कुविचार सुविचार जो कुछ भरा है, वो इस माथे में ही तो भरा है। और सत्य कहें तो ये माथा ही तो बेकना है, ये माथा ही तो बेकना है राधा गोविंद को, गुरुदेव को। जब भरत जी भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचे तो गोस्वामी जी रामचरितमानस अयोध्या कांड में क्या कहते हैं? पाही पाही कही पाही गोस्वामी, पाही पाही माने होता है मैं आपकी शरण हूं, शरण हूं, पाही मां। तो भरत जी क्या कहे? पाही पाही कही पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। पाही माम पाही माम पाही माम कहते हुए श्री भरत श्री रघुनाथ के चरणों में कैसे पड़े? गोस्वामी जी कहते हैं भूतल परे वो लकुट की नाई। लकुट माने डंडे की तरह। डंडा कैसा होता है, लकुट कैसी होती है? सीधी होती है। लकुट की नाई, वो दंडवत गिर गए। आहा, तो जो वंदन भक्ति है, प्रणाम करने को वंदन भक्ति कहते हैं, बहुत महिमा है, लेकिन वो वंदन भक्ति भी तब पूर्ण होगी जब मन वंदन करना सीखेगा। शरीर के सिर को तो झुकाते हैं पर मन कहता है अरे ठीक है सिर झुका रहे हैं, पर मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत बड़े राजनीतिक पद पे हूं, बहुत बड़े अफसर के पद पे हूं, जाने क्या क्या, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा गायक हूं, बहुत बड़ा पंडित हूं। तो ये मन दंडवत नहीं करता। तो बंधुओं, नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण, ये प्रारंभ की तीन भक्ति, इन तीन भक्ति को लेके अपने को पहुंचना कहां तक है? अंतिम भक्ति नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन ये बीच की जो पांच भक्ति है ना, ये तो ऐसा समझिए कि राजधानी एक्सप्रेस में बैठे तो दिल्ली से बैठे तो दिल्ली का स्टेशन दिखता है ठीक से, लेकिन फिर राजधानी एक्सप्रेस इतनी तेज गति से चलती है कि बीच में आने वाले स्टेशन तो पड़े भी नहीं जाते कि लिखा क्या है। तो या तो जहां से गाड़ी चलती है वहां दिखता है या फिर मंजिल दिखती है, इतनी तेज चलती है गाड़ी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस स्टेशनों से गुजरती नहीं है, गुजरती है, गुजरती तो है, रास्ते में स्टेशन तो आते हैं, पर इतनी तीव्र गति से चलती है राजधानी गाड़ी कि पता नहीं पड़ता स्टेशन कब आया, कब में को बीता। अरे रेलगाड़ी की छोड़िए, नया जमाना है, हेलीकॉप्टर की बात करिए। हवाई जहाज दिल्ली से बंबई जाता है ठीक, लेकिन या तो एयरपोर्ट दिल्ली का दिखता है या बंबई का।
या तो दिल्ली या सीधे बंबई दिखाई देती है। तो क्या हेलीकॉप्टर जादू से बंबई पहुंच गया? ना ना, पहुंचा तो उसी रास्ते से था सब नगरों को जिस रास्ते से रेलगाड़ी गई थी या बस गई थी। उसने भी धीरे धीरे सब स्टेशन पार किए थे, प्रांतों को पार किया था, पर इतनी तीव्र गति में किया कि कौन एयरपोर्ट कब बीत गया, कौन नगर, कौन जिला, कौन प्रांत कब बीत गया पता नहीं पड़ा। या तो दिल्ली दिखाई दी या बंबई दिखाई दिया, हमें तो दो ही एयरपोर्ट दिखाई दिए, पर रास्ते में उसने सैकड़ों एयरपोर्ट पार कर लिए, सैकड़ों नगर पार कर लिए, वो नहीं दिखाई दिया। अर्थ इतना ही है कि अपनी श्रवण कीर्तन और स्मरण भक्ति को पुष्ट कर लीजिए तो फिर आत्मनिवेदन वाला स्टेशन ही दिखाई देगा सीधा। नौवीं भक्ति, फिर बीच के स्टेशन तो पता नहीं पड़ेंगे, वो स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। हमें श्रवण करना आ जाए, हमें कीर्तन करना आ जाए, हमें स्मरण करना आ जाए। श्रवण कीर्तन स्मरण, फिर अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य, ये सब भक्ति तो निभती है साहब, पता नहीं पड़ता, ये कम्मे को आ जाती हैं। अर्चन करना सीख लेते हैं, अर्चन करना केवल सीधे सीधे ठाकुर सेवा तो है ही अर्चन का अर्थ। बंधुओं, स्मरण से अर्चन भी होता है। हमने अपने गुरुदेव का दर्शन किया है, एक एक मंत्र को जपते हुए कैसे वो राधा माधव के चरणों में कमल चढ़ाते थे, एक एक मंत्र को जपते हुए एक एक कमल, सोचिए अर्चन नहीं हो रहा, एक एक मंत्र को जपते हुए प्रणाम करने का भाव, वंदन नहीं हो रहा क्या? दास भाव में इतने प्रगाढ़ की हर समय अपने स्वरूप में डूबे रहना, तो ये सब भक्ति स्मरण भक्ति के अंदर आ जाती हैं। लेकिन स्मरण नहीं है तो ये सारी भक्ति बाहरी हो जाती है, कोई लाभ नहीं होता ये नहीं कह रहे, लेकिन विलंब भी बहुत हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता। तो श्रवण कीर्तन स्मरण पर पहुंचना कहाँ है? अर्चनम वंदन वंदनम दास्यम सख्य, इनको पार करते आत्मनिवेदन पर। पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य, फिर आत्मनिवेदन। तो इस संकीर्तन साधना में हम श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, साथ साथ शब्दों को स्मरण करते ही स्मरण करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन हमें करना आत्मनिवेदन है, आत्मनिवेदन है, हमें नौवीं अवस्था में पहुंचना है, आत्मनिवेदन। और आत्मनिवेदन का अर्थ क्या होता है जानते हैं? आत्मनिवेदन का अर्थ होता है अच्छा और बुरा सब कुछ ठाकुर को भेंट कर देना। अच्छा और बुरा, ऐसे थोड़ा चलेगा कि बुरा बुरा करें अच्छा ना करें, पर ऐसे भी नहीं चलेगा कि अच्छा अच्छा आपको दे दें तो बुरा किसको दे दें साहब। ठाकुर जी कहते सब कुछ देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि पाप हर लो। देखो भैया, ठाकुर जब भी हरेंगे ना पाप भी हरेंगे, सावधान पुण्य भी हरेंगे। क्यों? क्योंकि पाप बंधन देगा तो पुण्य भी तो बंधन देगा। ठाकुर या तो हरेंगे नहीं, हरेंगे तो सब कुछ हरेंगे। अपने जीवन में अपने इष्ट देव को छूट दें, गुरुदेव को अपने जीवन में छूट दें, आप जो चाहो सो कर लो, हर लो हर लो। उनको छूट देंगे तो हरण करेंगे, हरण करेंगे। जैसे गोपियों के घर माखन चुराए तो दही की मटकी भी फोरी, जल की मटकी भी फोरी, चीर भी चुराया और चित्त भी चुराया,
फिर कान्हा को जो चुराना होगा चुराएंगे वो। अरे चुराएंगे क्या, है तो उनका ही, हम तो मालिक बने बैठे हैं। अब गवर्नमेंट को इनकम टैक्स नहीं दिए, छुपाए छुपाए छुपाए, जब तक छुपता रहा एक दिन आ गए इनकम टैक्स के अधिकारी और डाल दिए छापा, आगा पीछा सब ले लिए। तो अरे माखन तो गोविंद का ही है। ठाकुर जी से किसी गोपी ने पूछा, तुम चुराते क्यों हो माखन, इतने बड़े बाप के बेटे हो। ठाकुर जी बोले, मैं चोरी तो नहीं करता, मैं चोर नारायण नहीं, मैं सत्य नारायण हूं। बोले अरे हद हो गई, सामने के सामने आके चुराते हो। भगवान ने कहा, अच्छा बता, जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पास कितनी गैया थी। बोले तुम्हारे जन्म से पहले तो दो गैया थी। अच्छा अब ईमानदारी से बताना, जब से मेरा जन्म हुआ मैं तेरे घर में आने लगा तब से क्या हुआ। बोले पूछो मत, दो गैया की 100 गैया हो गई। तो बता अब ये 2 गैया की 100 गैया कैसे हुई। गोपियों ने गोपी गीत के प्रथम श्लोक में क्या कहा, जयति ते दिकम जन्म नाम व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे ठाकुर, जब से आप ब्रज में प्रकट हुए इंदिरा वैकुंठ की स्वामिनी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के ब्रज में ही रहती हैं, इसलिए ब्रज वैकुंठ जैसा हो गया। तो ठाकुर जी बोले, मेरे प्रकट होने से पहले 2 गैया थी, अब 100 गैया हो गई, इतना माखन बढ़ गया मेरी वजह से। अब मैं एक गोला माखन का लेके भागा तो चोर 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 नहीं, तो वो माखन किसका है भाई। माखन भी कान्हा का ही है और मटकी भी कान्हा की है, और असलियत में जिसके घर माखन चुराने जा रहे हैं वो गोपी किसकी है, वो भी नहीं की है। तो माखन चोर तो वो प्रेमी भक्त प्रेम में कह रहे हैं और ठाकुर प्रेम में सुन रहे हैं, बाकी माखन भी उनका, मटकी भी उनकी, गोपी भी उनकी, घर भी उनका, सब कुछ उनका। अच्छा फिर कहेंगे चुराने क्यों जा रहे हैं, तो भैया हम लोग भागवत जी में भी सुनते हैं माखन चुराने नहीं जा रहे और 2 पैसे की मटकी चुराने नहीं जा रहे, वो क्या करेंगे गोपियों के कपड़ों का। गोपी यमुना जी स्नान कर रही, पेड़ पर कपड़ा धर गई। हमारे वृंदावन में भी चीर घाट है और मूल रूप में कात्यायनी के पास भी चीर घाट है जहां ठाकुर जी चीर चुराए, वे गोपियों के लहंगे के फरिया का चोली का क्या करेंगे, वो खुद पहनेंगे कि मैया पे कम कपड़े हैं कि राधा रानी पे कम कपड़े हैं। वो गोपियों के हरे पीले नीले लहंगे का करेंगे क्या, चुनरी का करेंगे क्या, और माखन का करेंगे क्या। नंद बाबा के तो नदी बह रही है घी और माखन दूध की, समझना होगा न ठाकुर माखन चुरा रहे, न दही चुरा रहे, न चीर चुरा रहे, ठाकुर चित्त चुरा रहे हैं, चित्त चुरा रहे हैं। बंधुओं हमारे आपके घर भी प्रभु पधारेंगे, पर कब, जब हम भी अपनी मटकी को माखन से भर लेंगे, उन्हीं के दिए माखन से। हम तो मटकी को खाली किए हैं, और खाली भी किए हो तो काम चल जाए, मटकी में माखन की जगह विष भरे हुए हैं, हे भगवान, जहर से भर रखी है मटकी। भैया गोविंद विष चोर नहीं है, गोविंद माखन चोर है, दधी चोर है। हम विष से भरे हुए मटकी को, अपनी मटकी को, अपनी हृदय रूप मटकी को माखन से भरें, और देखो फिर आत्मनिवेदन कर दें गोपाल को, प्रिया जी को, इन युगल को, मन माखन मेरो चुराए गयो री, प्यारो प्यारो मोहन, गोपिन को चित्त लुभाए गयो री, प्यारो प्यारो मोहन। तो श्रवण कीर्तन और स्मरण भक्ति हम लोग संकीर्तन साधना में कर रहे हैं, पर इसके भी मूल में आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन, अपने को आत्मनिवेदन करना है,
आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन माने अपने दिल की एक एक बात, एक एक छिपी हुई बात खोल के रख देनी है। कुछ नहीं छिपाना, किससे छिपाएं वो तो जानता है, किससे छिपाएं वो जानता है, जानता है तो बताने में अंतर क्या है। देखो जानता है वो, असलियत तो जानता है, पर जब तक मुंह से बोलेंगे नहीं ना, क्षमा नहीं मिलेगी तब तक। तो वो जानता है भीतर की बात, पर अपने को रोके क्षमा मांगनी पड़ेगी, रोके पुकारना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। रोके अपने गुनाह कबूल करने पड़ेंगे, अपनी असमर्थता निर्बलता बतानी होगी। आहा, आज जिस संकीर्तन भावधारा में हमको बहना है, कृपा की याचना तो है ही, सेवा की अभिलाषा तो है ही, आज आत्मनिवेदन मुख्य है। आज साधक, आज भक्त अपनी आत्मा का निवेदन कर रहा है, अपने भीतर का, अपनी भीतर की बात प्रभु से निवेदन कर रहा है। जानते तो हो सब, लेकिन मेरा तो फर्ज है ना, वैद्य के पास जाके वो नाड़ी पकड़ के सब जान ले, पर रोगी तो अपना रोना रोता ही है ना, उसे संतोष नहीं होता रोए बिना। हम जीव भव रोगी हैं, और मीरा बाई कहती हैं, दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोए, पर मीरा की पीर तो तबई मिटे जब वैद्य समरिया होए। तो सामरिया वैद्य को अपना रोग निवेदन कर रहे हैं, आत्मनिवेदन कर रहे हैं। आइए राधा गोविंद को अपने भाव का निवेदन करें और उनसे कृपा याचना करें। साधना की प्राण है ये सब वस्तु, खूब अपने मन को पुष्ट कर लें इन आत्मनिवेदनों के द्वारा, सेवा अभिलाषा के द्वारा, और जब चित्त पुष्ट होगा तब फिर लीला के पदों का गान भी होगा। पर अभी तैयारी चाहिए, तैयारी चाहिए। पेपर तो 3 घंटे का होता है, लेकिन उस 3 घंटे के पेपर की तैयारी साल भर होती है। पेपर तो 3 ही घंटे का होता है, लेकिन तैयारी साल भर होती है। ये जितनी आत्मनिवेदन भक्ति है, जितनी प्रार्थना है, ये सब तैयारी है लीला रस में डूबने की, श्यामा श्याम में खो जाने की। पहले रो के अपने चित्त को तैयार करना होगा। तो आज का कीर्तन है, हे श्यामा श्याम करुणामय, कृपा की कौर कर दीजिए चरण कमलों की सेवा में, बना के छेरी रख लीजिए। आइए आत्मनिवेदन करें अपने प्रिया प्रियतम को, एक एक शब्द का आस्वादन करते हुए, एक एक शब्द को गहराई से अनुभव करते हुए, सजल नेत्रों से, द्रवीभूत चित्त से पुकार करनी है। और कोई उपाय नहीं, यही उपाय है, और कोई साधन वहां तक पहुंच नहीं सकता, केवल ये आत्मनिवेदन ही श्यामा श्याम की कृपा सुलभ कराएगा। आइए पुकारें। हे श्यामा श्याम करुणामय, कृपा की कौर कर दीजे।
Oh.
Bye.
समय छोड़ा Yeah.
Thank you.
वास गौर Yeah.
प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्ट प्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।